सीएम नीतीश की चुनावी सीट को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद कह रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर आ गए हैं क्या? रिपोर्ट देखिए। सर एक बहुत चर्चा है सर कि आप फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा। अरे आपका कहना बिना मतलब का, ये सब तो बेकारे बात होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान ने महीनों से फूलपुर सीट को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगा दिया है, लेकिन बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी को मानो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जिसे भुनाने में पार्टी पीछे नहीं हट रही। प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने तो ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा नहीं बचने वाली। मेरा इस पूरे विषय पर यही है कि नीतीश जी अब आपके लिए कोई फूल नहीं बचा है। आपने देश की जनता को, बिहार की जनता को इतने कांटे दिए हैं कि आपके लिए कहीं कोई अब फूल नहीं बचा है, और अब जनता को ना आप पर भरोसा है। और ये बात अब नीतीश जी भी जानते हैं कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो मेरी स्थिति क्या होगी। एक तरफ बीजेपी तंज कस रही है तो वही अब जेडीयू सीएम के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल करने में लगी। जहां जेडीयू कह रही है कि किस सीट से चुनाव लड़ना है ये सीएम का अधिकार क्षेत्र है, वही सहयोगी दल आरजेडी की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सालों तक केंद्र में मंत्री रहे हैं। यही वजह है कि बिहार के बाहर के लोग और कार्यकर्ता चाहते हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़े। अगर वो यहाँ से लड़ते तो उनका भी प्रदेश, उनका भी वो संसदीय क्षेत्र वो विकसित होगा, वो डेवलप करेगा, जिस तरह से बिहार ने विकास की एक नई गाथा लिखी है। और हम लोग उस बयान पे कहते भी रहे कि ये डिस्क्रिशन, ये क्षेत्राधिकार, ये विवेकाधिकार स्वयं आदरणीय नेता का है और ये पार्टी का है। और इस पे हमारे आदरणीय नेता ने स्वयं इस बात को कह दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए उन्हीं को निर्णय करना है जिसे चुनाव लड़ना है कि उनका करना है, कि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री सेंटर में भी मंत्री रहे हुए हैं, पिछले 18 वर्षों से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, और देश में आज अगर सीनियर मोस्ट लोगों की गिनती हो तो उनमें से वो आते हैं। लोगों की इच्छा है, हम लोग चाहते हैं, वर्कर्स चाहते हैं, अलग अलग स्टेट्स से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आके वहाँ से भी चुनाव लड़ें। ये तो बात हुई बयानबाजी की, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट को लेकर ये कयास क्यों लगाए जाए। जवाब है सीट का सियासी समीकरण। दरअसल फूलपुर संसदीय सीट पर सबसे बड़ी आबादी दलितों की, जहां दलितों की करीब 18.5% आबादी। इसके बाद पटेल और कुर्मी वोटर, इनकी आबादी 13.36%। मुस्लिम वोटर भी यहां 12.90%। इसके अलावा करीब 11.16% ब्राह्मण भी प्रयागराज की दूसरी लोकसभा क्षेत्र में रहते। वैश्यों की आबादी करीब 5.4%। इसके अलावा कायस्थ करीब 5%, राजपूत 4.83%, भूमिहार 2.32%। कुल मिलाकर सवर्ण वर्ग की आबादी यहां 23%। समीकरण तो ये साफ है कि अगर सीएम नीतीश यहां से चुनाव लड़ते हैं तो दलित, कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स के भरोसे उनकी चुनावी नैया पार हो सकती है। लेकिन सीएम ने खुद ही इन कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। साथ ही सीएम ने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं बल्कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने की है। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।